सर्दियों में सबके घरों में सबसे ज़्यादा मिलने वाला बनने वाला होता है ये गाजर का हलवा। हाँ जी फ्रेंड्स, सर्दियों की स्पेशलिटी होती है गाजर का हलवा। सबकी डिमांड होती है क्योंकि सर्दियों के सीजन में ही खाया जाता है, बाद में तो हम तरसते हैं गर्मियों में से खाने के लिए। तो यही गाजर का हलवा मैंने भी 4 से 5 बार बना लिया है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बना रही हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको गाजर लेनी होगी, एकदम इस तरह की नरम पतली वाली गाजर लेंगे आप, और एकदम रेड सुरख गाजर होनी चाहिए। और इस गाजर को छील कर वॉश करके रख लिया है मैंने। 2 किलो गाजर का यूज़ किया है। आपके यहाँ जितनी लगती हो, आपको बनाना हो, आप उतना ले सकते हैं। तो पतली वाली गाजर लेना, एकदम नरम गाजर, सॉफ्ट वाली, हार्ड वाली गाजर नहीं होनी चाहिए। तो सारी गाजरों को छील कर अच्छे से वॉश करके सीधा ही डायरेक्टली कुकर में डाल रही हूँ मैं, ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसे मैं कट नहीं करूँगी। इसी तरह से सिंपल, बहुत आसान, इजी मेथड से ये हलवा बनाऊँगी, और सच में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनेगा। इसमें मैं यहाँ पे दूध नहीं डाल रही, दूध की जगह 2 से 3 चम्मच घी का यूज़ कर रही हूँ, देसी घी डाल देंगे। और साथ ही में इसका टेस्ट फ्लेवर बढ़ाने के लिए 2 चुटकी इलायची का पाउडर, इलायची के पाउडर को अच्छे से छान के लेंगे, बिल्कुल भी इलायची के रेशू नहीं होने चाहिए। और बस अब इसे सीटी लगाने के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। पानी नहीं डाला है, दूध नहीं डाला है, क्योंकि गाजर अपना भाप से पानी छोड़ देगी, तो उसी में हमारी गाजर बहुत अच्छे से हो जाएगी। और दूसरे गैस पे रख दिया मैंने 1 लीटर दूध पकने के लिए, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया 1 बड़े चम्मच के करीब। और बस अब इसे पकने देंगे, और साथ ही में केसर भी डाल रही हूँ इसमें, केसर के धागे कुछ, क्योंकि केसर से बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, आप ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। आपने देखा दूसरे गैस पे तो मेरी गाजरों में सीटियाँ लग रही हैं, और यहाँ पे दूध भी पक गया है, उबाल आ गया है इसमें। तो दूध को मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, इसी में मैं ऐड कर रही हूँ यहीं पे इसी स्टेज पे 1 बॉईल आने के बाद चीनी। तो चीनी मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 300 ग्राम के करीब चीनी का यूज़ किया है, 300 ग्राम के करीब चीनी 2 किलो गाजर में बहुत होती है, परफेक्ट रहती है। आप चाहें तो मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को मैंने इसी स्टेज पे डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया दूध में, और यहाँ पे ये देखिए, मैं अब आपको गाजर भी दिखा देती हूँ साथ ही में। देखिए 2 सीटी में हमारी गाजर कितनी अच्छे से गल चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो गई है, और गाजरों ने भी पानी कितना छोड़ा है, जबकि हमने इसमें पानी, दूध कुछ भी ऐड नहीं किया था, और घी डाला था बस। और अब इसे मैश कर रहे हैं, तो मेरे पास मैशर नहीं है, मैं इसी तरह से इस रई से जिससे हम लस्सी बनाते हैं, फेंटते हैं, तो उसी से मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी गाजरों को। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे हलवा बनाने की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। अब इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 पिंच नमक। गाजरों को सीटी लगाकर घोट लिया, जब ये पक गई, गल गई, तब मैंने इसमें 1 पिंच नमक डाला है। नमक डालने से जो हमने मीठा रखा है, मीठे का बहुत अच्छा सा बैलेंस बन जाता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, मीठे को बहुत अच्छे से इन्हेंस करता है ये 1 पिंच नमक। तो ज़रूर ऐड करना, हलवाई भी करते हैं। और यहाँ पर जब हमारा दूध ये पक रहा था, तो इसमें हम ऐड करेंगे नींबू का रस। तो नींबू का रस कितना लेंगे, सिर्फ 2 से 3 बूंदें। हमें दूध को फाड़ना नहीं है, दूध में दाना बनाना है। तो देखिए 2 से 3 नींबू की रस की बूंदों से कितना अच्छा सा हमारे दूध में दाना आ गया है। इस तरह का दाना आएगा तभी तो हमारे हलवे में हलवाई जैसा टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार टेस्टी बनेगा। ये ट्रिक है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर इसको ट्रिक से फॉलो करते हुए बनाना अपने हलवे को, आपका हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस दूध में जैसे ही दाना आ गया, हमने ये अपनी गाजर इसमें ऐड कर दी है सारी की सारी। अब इसे डालकर हम पेशेंस के साथ पकाते जाएंगे, तो गैस को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे, क्योंकि जितनी देर तक ये पकेगा उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा, इसमें जो दाना है वो भर कर आएगा। तो इस तरह से आप हलवे को बनाएं, आपका हलवा बहुत ज़बरदस्त लाजवाब बनेगा। तो देखिए धीरे धीरे चलाते हुए कंटिन्यू इसी तरह से इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कढ़ाई मोटे तले की है तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं,
पकने के लिए, बट मेरी कढ़ाई हल्के तले की है तो मैं लगातार चलाते हुए इसे पका रही हूँ। और इसमें इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा खोया भी ऐड कर दिया है 50 ग्राम के करीब, क्योंकि खोया डालने से बहुत अच्छा सा इसमें रबड़ी वाला टेस्ट आएगा, टेक्सचर बन जाएगा इसका और बहुत जल्दी ये गाढ़ा भी होएगा, तो इसलिए खोया मैंने ऐड किया है। अब इसे डालकर चलाते हुए लगातार पकने देना है जब तक कि ड्राई ना हो जाए। ये देखिए हमारा हलवा एकदम ड्राई हो गया इस तरह का, और इसका कलर देख लीजिए अभी से कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल जैसा हलवाइयों की दुकान पर मिलता है। तो इस तरह की ट्रिक से बनाने से 2 से 3 बूंद नींबू की, 1 पिंच नमक से बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आया है, और दूध में जो दाना बना है उससे हलवे का टेस्ट बहुत उभर के आया है। तो अब बारी आती है इसमें तड़का देने की। तो तड़का हम दाल कड़ी में ही नहीं देते हैं, हम हमारे हलवे में भी तड़का लगाते हैं। तो देसी घी को गर्म कर लेंगे, 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है मैंने, और इसमें डाल दिए बादाम काजू, आप इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बादाम काजू को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे बस घी में, हल्का सा फ्राई करेंगे, इनका कलर नहीं चेंज होने देंगे, और घी को इस तड़के को हम डाल देंगे हमारे गाजर के हलवे में। तो देखिए फ्रेंड्स कितना लाजवाब देसी घी का हमारा ये हलवा बनकर तैयार हो गया गाजर का। अब इसे और गार्निश करेंगे तभी तो इसमें मज़ा आएगा। इसमें डालना बाकी रह गया है खोया, तो खोए को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। अब इसके ऊपर पूरा खोया मैं बिछा दूँगी उस तरह से जिस तरह से जब हम हलवाई शॉप पे लेने जाते हैं ना, और उसके यहाँ बिछा हुआ रहता है ना हलवा, हलवे के ऊपर खोया बिल्कुल, और देखते दिल कर जाता है कि हलवा लेना है हमें, गाजर का हलवा खाना है, बिल्कुल उसी तरह का मैं इसे कर दूंगी। और देखते ही आपका भी दिल करेगा कि जल्दी से जाएं अपने किचन में ये हलवा हम भी ट्राई करें इसी रेसिपी से, इसी मेथड से। तो सच में बहुत टेस्टी लाजवाब इस हलवे की मैं कितनी तारीफ करूं उतनी कम है, इतना ज़बरदस्त बना था, आप यकीन मानिए सच में बहुत टेस्टी हलवा बना था। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना इस सीजन में मेरे तरीके से, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स लेकर आऊँगी ऐसी ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपके लिए, आप बने रहना मेरे चैनल के साथ, जुड़े रहना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे अपना सपोर्ट आपका कमेंट का वेट रहेगा, तो मैं इंतज़ार करूँगी आपकी कमेंट का। तो मिलती हूँ फिर किसी रेसिपी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, इन्जॉय गाजर का हलवा, थैंक यू।